सोमवार को भारतीय दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कप्तान तथा ऑलराउंडर खिलाड़ी कैलाश राजपूत ने दिग्रस पहुंचकर शहर के ईश्वर देशमुख मिलिट्री स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिग्रस के नन्हे क्रिकेटर प्रभास डाखुरे की खेल प्रतिभा की जमकर सराहना भी की। शहर के ईश्वर देशमुख मिलिट्री स्कूल में सोमवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन यहां आयोजित कार्यक्रम में भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैलाश प्रसाद राजपूत ने पहुंचकर बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर और जीवन संघर्ष से विद्यार्थियों को रूबरू कराते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने और जीवन में कुछ बनकर दिखाने की प्रेरणा दी। इस मौके पर दिग्रस के नन्हे क्रिकेटर प्रभास डाकोरे की खेल प्रतिभा की सराहना करते हुए कैलाश राजपूत ने कहा कि ये नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और एक न एक दिन ये बच्चा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलेगा। और नो डाउट आप इस बच्चे को देख लो और आपके ही सामने ये बड़ा होगा, आगे चल के 110% कीर्तिमान स्थापित करेगा और इंडिया टीम के लिए खेलेगा जरूर। इस मौके पर मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य ने भी कैलाश राजपूत के आगमन और उनके द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को किए गए मार्गदर्शन पर अपनी खुशी का इजहार किया। आमच्या इथे आज कैलाश प्रसाद राजपूत हे दिव्यांग अखिल भारतीय दिव्यांग क्रिकेट चे कॅप्टन इथे आलेले आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना क्रिकेट बद्दल जी उत्सुकता असते आणि ज्या काही गोष्टी जाणून घ्यायच्या असतात त्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी त्यांनी इथे विद्यार्थ्यांना सांगितल्या आणि विद्यार्थ्यांमध्ये एक नवीन प्रकारचा जोश, नवीन प्रकारचा उत्साह क्रिकेटमध्ये निर्माण केला, त्याबद्दल मी त्यांचे आमची संस्था श्री दुर्गा माता बहुउद्देशीय क्रीडा शैक्षणिक संस्था आणि आमचे संस्थापक आदरणीय संजय भाऊ देशमुख, आमच्या सन्माननीय सचिवा आदरणीय वैशालीताई देशमुख यांच्यातर्फे आणि माझ्या शाळेतर्फे त्यांचे आभार मानतो। इस मौके पर एनबीसीएन न्यूज चैनल संवाददाता ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी कैलाश प्रसाद राजपूत से बातचीत की। आज हम दिग्रस शहर के ईश्वर देशमुख मिलिट्री स्कूल में पहुंचे हैं। आज यहां एक विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें हमारे भारत देश का नाम क्रिकेट में रोशन करने वाले दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के जो कप्तान हैं कैलाश प्रसाद राजपूत, वो आज हमारे साथ में हैं। आज यहाँ पर उन्होंने यहाँ के छात्रों से संवाद साधा है और आज हम यहाँ पहुँचे उनसे बात करने। आइए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सो मच। सर क्या औचित्य रहा आज आपका यहाँ पर आए आप और आज अपने छात्रों से संवाद साधा? औचित्य यही रहा कि जैसा कि अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर टैलेंट की कमी है और उसको निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बात में कि पाटिल ने भी मुझे बताया था कि सर वहाँ पे ग्राउंड भी अवेलेबल नहीं है और क्रिकेट का टैलेंट इतना है कि नो डाउट अगर आप हाथ डालेंगे तो बहुत सारे प्लेयर निकल के आते हैं। तो आज मैंने देखा भी और कल से जो आया हूँ मैं, जैसे प्रभास है, कल से मैं देख रहा हूँ कि हर जगह जैसे हम लोग दिग्रस के नज़दीक पहुँचे हैं तो क्रिकेट हर जगह खेली जा रही है। तो क्रिकेट का तो वैसे ही माहौल इंडिया में बहुत रहता है, क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो मैं चाहता हूँ दिग्रस से भी अपना एक अच्छा सेटअप हो और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ से अच्छे प्लेयर निकल के बाहर आए। सर इसके पहले भी हमने कई खबरें जारी की थी प्रसाद की जो क्रिकेटिंग स्किल है उसको लेकर, आपको क्या लगता है इतना बड़ा आपका एक अनुभव रहा है और इतनी जानी मानी शख्सियत है आप क्रिकेट के क्षेत्र में, तो प्रभास की जो स्किल है और प्रभास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उसके फ्यूचर के बारे में कुछ आप संकेत दे सकते हैं किस तरह का? जैसा कि मैंने इनको कल नाइट में देखा था, अभी कुछ भी एज नहीं है, अभी 4 ईयर्स का है, अभी इसको लॉन्ग टाइम आगे चल के बहुत स्ट्रगल करना है। कि हाँ थोड़ी सी अभी जैसे इनके पेरेंट्स हैं वो स्किल अपनी बता रहे हैं, जैसे मैंने कल इनका स्टांस देखा और भी कई सारी चीज़ें देखी तो मैंने इनको वहीं एट ए टाइम मैंने इनको जिनकी जो कमियाँ थी मैंने वो कमी बता दी हैं और उस पर ये काम करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला भी कि बोला सर मेरे से जितना होगा मैं उतना काम करूँगा, लेकिन जो एक ऐसे जो कोच होता है जो अगर डॉक्टर है डॉक्टर ही दवाई बता सकता है, ना कि झोला छाप जो भी होता है वो नहीं बता पाएंगे, जो एज ए कोच है वही बता पाएगा कि इसको कैसे निकालना है। तो वही चीज़ को हम लेकर के आज हम लोग देशमुख सर से मिले भी थे तो उसके रिगार्डिंग हमारे ग्राउंड्स वगैरह के लिए काफ़ी देर बातचीत हुई है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है
कि हम लोग प्रयास करते हैं और प्रभाष के लिए मेरे बेस्ट ऑफ लक है। तो ये थे इंडिया के एक बड़े शख्सियत क्रिकेट क्षेत्र के कैलाश राजपूत जी, जिन्होंने यहाँ आकर जो छात्र हैं उनसे संवाद साधा और उन्होंने जो यहाँ पर एक व्याख्यान दिया, मार्गदर्शन किया, उसे निश्चित तौर पर यहाँ के छात्रों को प्रेरणा मिलेंगी। और खासतौर से उन्होंने ये भी बात कही कि दिग्रस की सरजमीन में जो है वो स्पोर्ट्स का जो एक हुनर है यहाँ के बच्चों में काफ़ी दिखाई देता है। साथ ही साथ उन्होंने प्रभास के क्रिकेटिंग स्किल की भी तारीफ की और उन्हें कई तरह की सलाह भी दी ताकि प्रभास जो है आने वाले दौर में और भी ज़्यादा उभर कर सामने आए। और इस तरह से राजपूत जी ने यहाँ पे आके यहाँ के बच्चों को प्रेरणा दी है और निश्चित तौर पर इसका फायदा उन्हें आने वाले अपने भविष्य में जरूर होगा। NBC न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान।